पीड़ित पिता को कंधे पर लेकर इलाज के लिए भटक रही बेटी पहुंचे विधायक के पास। विधायक के दखल के बाद शुरू हुआ इलाज। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम बिलगांव निवासी एक बेटी अपने पिता को कंधे पर रख इलाज के लिए भटकने को मजबूर। डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम के पास सहायता के लिए गुरुवार की सुबह पहुंच गई। विधायक ने आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए पीड़ित पिता के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। गैंग्रीन से पीड़ित पिता की बेटी रंजिता वनवासी ने विधायक को बताया कि उसके पिता शिव प्रसाद वनवासी गैंग्रीन से पीड़ित हैं। उनका इलाज पूर्व में जबलपुर में भी हुआ था, बीच में मां का निधन हो गया जिसकी वजह से वह पिता को लेकर वापस डिंडोरी आ गई, लेकिन पिता की तकलीफ देख बेटी इलाज के लिए पिता को कंधे में भटकने को मजबूर थी। फिलहाल विधायक की दखल के बाद पीड़ित का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। क्या नाम है तेरा भाई? रंजीता। ये जो पीठ में लिए हो ये कौन है? मेरे पिता। क्या नाम है? शिव सभा से। कहाँ के हो? ग्राम बिलगांव। विकास खंड? अमरपुर। जिला? डिंडोरी। ये तुम अपने पिताजी को पीठ में लेके अभी किसके पास आए हो? मरकाम सर। मेरे को पहचानते हो? ये क्या हुआ है पैर में? गैंग्रीन। तो इसके इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए? क्यों कहाँ कहाँ गए आप? जबलपुर गए सर। हाँ, जबलपुर में यहाँ से कलेक्टर महोदय लिख दिया रहा कि जा वहाँ तुम्हारे MIR हो जाएगा। इस करके हमको 4 दिन उन झाड़ों के नीचे रखे, कोई भर्ती अर्ती नहीं लिए। उसके बाद में नई बिल्डिंग भेजा दिए। नई बिल्डिंग में गए डॉक्टर के पास तो कहता है ये दवाई गोली लिख दे रहा हूँ, इनको लेके खाना और फिर ठीक हो जाना। इस करके भगा दिया। तो फिर इसके बाद